चलो कल लो हम लोगों ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था उसमें कुछ हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा था तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि जब एक क्वाल के टुवर्ड्स मैग्नेट को हम लोग अप्रोच करते हैं तो उस कंडीशन में उसमें क्वाल में जो गैल्वोनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होता है डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि देर इज सम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट तो वही हमने कल के क्लास में भी देखा था कि ये मैग्नेट या सिंपली एक इलेक्ट्रो है या क्वाल है यहाँ एक गैल्वोनोमीटर है इसमें जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट किया ये करंट जब फ्लो करता उसके पहले का कंडीशन है कि मैग्नेट को हम लोग इसके टुवर्ड्स अप्रोच करते हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच करता है तो गैलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा था कि यदि हम मैग्नेट के मोशन को या उसके स्पीड को हम इंक्रीज कर दें सपोज इसका इनिशियल स्पीड वी था अब टू वी कर दिया तो उस कंडीशन में जैसे ही स्किप्ट वर्ड्स अप्रोच करता है तो गैलवोनोमीटर में डिफ्लेक्शन लार्जर होता है देन प्रीवियस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा ये आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि अब मैग्नेट स्टेशनरी होगा और क्वाल का मोमेंट होगा तो मैग्नेट स्टेशनरी और क्वाल का मोमेंट हो गया डायरेक्शन ऑफ मोमेंट तो सेम ऑब्जर्वेशन आया गेल्बोनोमीटर का डिफ्लेक्शन जैसे पहले था वैसे ही हो गया फिर हम लोगों ने थर्ड कंडीशन ये देखा कि अब मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द क्वाल ले जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेट का अवे फ्रॉम द क्वाल, तो गेल्बोनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो गया देन प्रीवियस ठीक अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देखा ये कि क्वाल को और मैग्नेट दोनों को स्टेशनरी रखा दोनों का वेलोसिटी जीरो है तो गैल्वोनोमीटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब जब तक डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा ये इंडिकेट करा कि कोई भी ईएमएफ नहीं है कोई भी करंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेट और क्वाल दोनों स्टेशनरी है तो कंक्लूजन पहला तो यही निकला कि जब क्वाल या मैग्नेट दोनों में से कोई भी एक मूव करेगा तभी ईएमएफ का वैल्यू आ रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है तो so कंक्लूजन हमारा यही निकला पहला कंक्लूजन ये निकला कि वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए क्वाल या लूप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाल चेंजेस एंड हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट फिर हम लोगों ने यह देखा कि कांस्टेंट फ्लक्स में किसी तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट का फ्लो नहीं होगा और लास्टली हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अब कंक्लूजन के बाद हमारा फैराडेज लॉ क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन द मैग्नेटिक लिंक्ड विद द लूप और क्वाइल चेंजेस कल भी एग्जांपल बताया था विद इन द क्लास रूम इनिशियली कोई स्टूडेंट नहीं है देर इज नो चेंज इन फ्लस्क मान लो इस क्लास में ट्वेंटी स्टूडेंट इनरॉल्ड हैं और एक दो तीन ऐसे करके आते जा रहे हैं तो फ्लस्क में चेंजेस हो रहा है तो उस समय इन ई एम इंड्यूस हो जाएगा फिर क्लास में सारे बच्चे बैठ गए हाफ एन आवर का क्लास हुआ उस समय किसी तरह का फ्लस्क में चेंजेस नहीं है ई एम ऑफ़ जीरो क्लासरूम से बच्चे जाने लगे तो फ्लस्क डिक्रीज किया फ्लस चेंज किया तो उस कंडीशन में भी ई एम ऑफ़ इंड्यूस हो तो चेंज इन फ्लस्क ही इंड्यूस ई एम एफ को रिप्रेजेंट करेगा वही कहता है वेन द मैग्नेटिक फ्लस्क लिंक विद ए लूपल चेंजेस एन ई एम एफ इज इंडस्ड ठीक विच लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ कंटिन्यूज़ ये तब तक होता रहेगा जब तक कि फ्लस्क में चेंजेस होता रहेगा इसका मतलब ई एम एफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रपोजनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लस्क इंड्यूस्ड एम एफ डायरेक्टली प्रपोजल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लस समझ में आ गया दोनों लॉ अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंड्यूसम हो गया किसके बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम सिंबल पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा डी फाइव बाई डी टी और इंडियो क्या कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लस क्लियर अ चेंज इन फ्लस क्या कर रहा अपोज कर रहा है इसलिए क्या हो रहा है इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी तभी तो हम लोगों ने जो यहाँ पे ये क्वाइल बनाया था और गैल्वोनोमीटर यहां पर शो किया था जब मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ये नॉर्थ इसके टुवर्ड्स अप्रोच करेगा तो इस एंड पर क्वाइल का नॉर्थ होगा इस एंड पर साउथ इसका मतलब इन दोनों के बीच रिपल्सन इसका मतलब जो एम इंड्यूस हो रहा है वो चेंज इन फ्लस को अपोज कर रहा है क्लियर अगर समझ में आ तक तो पहला ये रिलेशन मिल गया इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ठीक अब हमारे पास यदि नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए क्वाल में एंड टाइम्स हो जाएगा अब एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा जब हम लोग इसका नेगेटिव साइन बता दिया द चेंज ऑफ अब हम लोगों ने फाइव का फॉर्मूला क्या पढ़ा बी ए थीटा. थीटा कहां से एंगल लिया ओरिएंटेशन अब इसमें से प्लस कब कब चेंज कर सकता है यदि हम इसके वैल्यू को इस दोनों में किसी में भी सब्सिट्यूट कर दें एन डी फाइव बाई डी टी तो फाइ का वैल्यू क्या हो गया बी ए कॉस थीटा इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन हुआ बी ए थीटा क्लियर तो तीनों में से कोई भी एक चेंज करेगा तो प्लस ई एम एफ चेंज करेगा अब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना रहे हैं यहां तक आ गए समझ में कोई कंफ्यूजन अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है ध्यान दोगे क्या बन गया माइनस एन डी फाइव बाई डी टी देखो ध्यान से पाला रिलेशन को चेक करो ये दोनों तो बना बेसिक माइनस एन प्लस चेंज हो गया फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम ये फर्स्ट आ गया रिलेशन बोलो यस yes, नो no. दूसरा आ जाओ माइनस अब इसमें फाइ का फॉर्मूला डाला है एन डी बाय डी टी पी ए कॉस सीटा ये डाला था अब यहां पर हमने एन ए को कांस्टेंट रखा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं बी टू माइनस बी वन एंगल वही रख रहे हैं आ गया सेकेंड रिलेशन यस नो थर्ड रिलेशन क्या बनेगा एन बी और ए दोनों को कॉन्स्टेंट रखा क्या एंगल चेंज कर देंगे तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन बाई डेल्टा टी आ गया समझ में ये फॉर्मूला एक जगह भी लिखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे कहा था तुम दो दिन से है तो मैसेज क्यों नहीं करता है तो लेट होने से क्या होगा मैसेज तो करो ना क्या कहा था ये ईएमआई चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है यार जल्दी करो इसको थोड़ा सा समझा दे देखो ध्यान से बेसिक हम बता रहे हैं थोड़ा सा गौर से और वीडियो भी देख लोगे हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है नोट कर लिया इक्वेशन थोड़ा सा बैक जाके इसको हम रिवाइज करा देने तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कहा तो याद है ना कि एक क्लास छूटेगा बड़ी दिक्कत होगी देखो पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस चीज बता देते हैं तभी समझ में आएगा नहीं तो इसको दिक्कत काफी होगी पहला कंडीशन देखो यहां पर ये एक क्वाइल है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं तो जब इस क्वाल में करंट का फ्लो होता है तो हर एक लूप टाइपोल बन जाता है ठीक क्योंकि करंट कैरिंग लूप और स्वलेंडवाइड ऑलवेज एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, हर एक लूप एक बार मैग्नेट फॉर्म कर जाता है हर एक लूप और फाइनली ये पूरा करेंट कैरिंग लूप एक कंप्लीट डायपोल बना देता है वही हमने यहां पर एनएस लिख दिया एक डायपोल की तरह एक्ट करने लगा ठीक अब हमने क्या किया फेर लॉ के अकॉर्डिंग इस लूप के टुवर्ड्स एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया तो यहां से जितने भी मैग्नेटिक फिल फिलइंस है वो लिंक्ड हो जाएंगे इसमें इसे फ्लस्क लिंक्ड हो जाएंगे और इसमें एक करेंट का फ्लो होगा जिसका डायरेक्शन ग्रीन एरो से है। और ये गैल्वोनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन मेजर करता है तो यह नल डिफ्लेक्शन कहलाता है जीरो और इधर वाला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहलाता है और इधर वाला नेगेटिव तो उससे मतलब नहीं वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिया यह शो किया कि इसमें ईएमएफ है और करेंट इसी ईएमएफ और करंट का नाम इंड्यूस्ड पड़ गया जब दोबारा पढ़े तो कुछ और नई चीजें सीख लेनी चाहिए अब कहता है कि यदि हम मैग्नेट के मोशन को डबल कर दें और तेजी से ले जाए तो क्वाल में डिफ्लेक्शन लार्जर होने लगेगा और बड़ा डिफ्लेक्शन तीसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि अब मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखेंगे मैग्नेट को अपनी जगह रख देंगे वी जीरो अब क्वाल को इसके लाएंगे, तो भी डिफ्लेक्शन होगा लेकिन जैसे पहला डिफ्लेक्शन था वैसा ही हुआ थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया फोर्थ अब कहता है कि मैग्नेट को आप अवे ले जाओ दूर ले जाओ मिनट तो में डिफ्लेक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि अब दूर ले गए तो फ्लस्क डिक्रीज करेगा इसलिए उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और लास्टली कहता है कि दोनों में से किसी का मोशन नहीं हो रहा है तो भाई किसी तरह का चेंज नहीं नो फ्लस चेंज तो ईएमएफ जीरो होगा तो ये हमने कल, कल भी क्लास में एग्जाम्पल दिया आज फिर से दे रहे हैं हम क्लासरूम में सबका इंतजार कर रहे हैं ठीक कोई स्टूडेंट नहीं है नो ई एम एफ अब मान लो स्टूडेंट आना शुरू किया तो फ्लस्ट चेंज किया तो ई एम एफ होगा फिर पढ़ने लगा नो चेंज नो ई एम एफ फिर क्लास से बाहर निकलते गए स्टूडेंट घटता जा रहा फ्लस्क घटता जा रहा तब भी ई एम एफ होगा समझ में आ गया तो कंक्लूजन यही निकला क्या कंक्लूजन निकला कि दोनों मैग्नेट और क्वाइल का मोशन होगा तभी ई एम एफ इंड्यूस होगा दूसरा क्या कहता है कि कांस्टेंट फ्लक्स जब पढ़ रहे हैं बच्चे नो चेंज इन फ्लक्स दोनों क्वाल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी है नो चेंज इन फ्लक्स नो ई एम एफ नो करेंट लास्ट कंक्लूजन क्या निकला कि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स तो फायर लॉ दो तो बन गए कहता जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्वाल में और लूप में बदलेगा तो ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है ठीक इसका मतलब जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लस, ठीक अब यहां पर रिजल्ट क्या आ गया हमारा रिजल्ट आ गया भाई कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल में रीडिंग सेल को आप एक टर्मिनल या सिंपल वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हो तो एक रीडिंग आता है ना 1.5 पॉइंट फाइव वोल्ट दैट इज ई तो जब जिस समय सर्किट जिस समय सर्किट में करंट का फ्लो नहीं है उस समय ई एम एफ है और जब सर्किट में करंट का फ्लो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है थीके? अब यहां ई एम एफ इंड्यूस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और इज इक्वल टू माइनस लगता क्यों भाई चेंज इन फ्लक्स अपोज कर रहा है EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स है एन तो ये एन डी फाइव बाई डी टी हो और हम लोगों ने क्या पढ़ा था पाई को मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए तो बी ए कॉस थीटा अब इसमें से क्या क्या जैसे मान लो हमने यहां पर एंगल चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा दूसरा हमने एन ए हीटा हमने जीरो डिग्री ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड को बदल दिया ये हो गया तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं एन और क्या ले सकते हो बी कॉस हीटा रहने दिया एरिया को चेंज कर दिया तो एक एग्जाम्पल ले रहे ऐसे हम लोग लिख सकते इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल चेंज करेगा तो ऐसा आएगा आगे समझ में अब इसी पर बेस्ड हमारा रिजल्ट है यही रिजल्ट हम लिखे ई माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस एन डी फाइव बाई डी टी निगेटिव साइन देखो यहां पर लिख दिया सारा फॉर्मूला क्लियर आ गया समझ में अब यहां पर क्वेश्चन आ जाएंगे ये नोट कर लो पहले तुम लेट से आओ सारा फॉर्मूला तीनों नीचे वाला और ये एक दो तीन चार पांच जल्दी से क्विक हो okay? गया अब देखो क्वेश्चन नंबर धीरे देख रहे को हड़बड़ी नहीं है इस चैप्टर में बिल्कुल घबराहट नहीं एक दिन में रिपीट कर लो कोई दिक्कत नहीं है एकदम स्मूथली चल रहा है अब इंड्यूस करेंट हम ई एम एफ निकाले करेंट निकालना है तो करेंट निकालने के लिए क्या करेंगे ई एफ एम में रजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे कर दिया तो क्या फॉर्मूला बना ईएमएफ का क्या फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू क्या था माइनस एन डी फाइव बाई डी टी तो करंट क्या बन गया ई एम एफ बाई तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी बाई आर आगे समझ में हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट ये फॉर्मूला बन गया इंड्यूस्ड चार्ज अब देखो क्या रिजल्ट आता चार्ज को हम लोग क्या करंट और चार्ज कर इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी देू इक्वल टू आई डी टी अब आई का वैल्यू क्या हो गया देख लो माइनस एन बाईआर डी फाइव बाई डी टी हो गया आई के जगह पर ये सब्सिट्यूट किया पूरा वैल्यू और एन टू डी टी डी क्यू क्या बन गया माइनस एन बाई आर टी फाइव इसमें टाइम है कहीं नहीं ना अब देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से सुनना कहेगा कि इंड्यूस चार्ज या सिंपली इंड्यूस्ड करेंट इंड्यूस्ड पावर इंड्यूस्ड ई एम एफ एंड इंड्यूस्ड चार्ज इन सब में कौन ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम इंडिपेंडेंट है क्या आंसर हो गया जल्दी से बता दो इंड्यूस चार्ज क्लियर अब एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन था फैरड लॉ में कि मैग्नेट को हमने क्विकली मूव कराया मतलब यदि उसका वेलोसिटी वी था हमने फाइव वीक कर दिया सिक्स वीक कर दिया सेवन वी कर दिया तो कौन सा ऐसा क्वांटिटी जो कांस्टेंट रह जाएगा इंड्यूस चार्ज करंट बढ़ जाएगा ई e एमअप बढ़ जाएगा पावर बढ़ जाएगा फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन चार्ज रिमेंस अनचेंज्ड क्लियर हो गया हा? किस में हा नंबर ऑफ टर्न्स की बात अलग है हम सिर्फ जो एग्जाम्पल दे रहे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह नहीं कर रहे क्लियर आ गया समझ में क्वेश्चन अब देखो कंक्लूजन भी हमारा वही है इंड्यूस इज टाइम इंडिपेंडेंट और रिजल्ट हमारा यही आ गया नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट कहता है इंड्यूस्ड पावर पावर को क्या लिखते हो बोलो पावर को क्या लिखेगा आई स्क्वायर आर या स्क्वायर बाई आर उस फॉर्मूला से लाओगे तो ये आ जाएगा देखो चेक करके माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा हो गया नोट कर लिया चलिए क्वेश्चन करते हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ही लोगों को करना आज तो पहला क्वेश्चन आ है

इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एट टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फाइव टी स्क्वायर का टू टी हो गया प्लस थ्री हो गया फाइव का जीरो सिक्सटीन टी प्लस थ्री हो गया अब e का वैल्यू पूछा एट t टू फोर सिक्सटी इन टू फोर प्लस थ्री सिक्सटी फोर प्लस थ्री सिक्सटी सेवन और फाइव में कोई यूनिट नहीं है इसलिए हम लोग इसको इतना यूनिट ही आंसर में लिखेंगे फाइव में यूनिट दिया रहता तो हम लोग वोल्ट लिख देते हैं फाइव का कोई यूनिट गिवन नहीं है पाई के बाद में कोई यूनिट नहीं है यूनिट दिया रहेगा तब हम वोल्ट लिखेंगे इसलिए यहां पर उसी टर्म में लिखा गया हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो वो लिखना भूल गए थे चलिए कभी कभी होता है है टीचर से भी मिस्टेक होते रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गया यार पता नहीं चलो कोई बात नहीं क्या इन है मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू फोर बी नॉट फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है इसमें चलो तो नहीं लिखना है माइनस क्या क्या चेंज हो रहा ऑनली मैग्नेटिक फील्ड ठीक और हीटा जीरो है तो बाहर क्या लिख देंगे ए नॉट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा बी टू माइनस बी वन बाई डेल्टा टी यही फॉर्मूला हमारा बी टू की जगह पर क्या है फोर बी नॉट बी वन की जगह पर बी नॉट बाई डेल्टा टी आंसर आ गया डेल्टा टी की जगह पर क्या है टी है क्लियर थ्री बी नॉट ए नॉट बाई टी हो okay? गया करें नेक्स्ट क्वेश्चन ए फिफ्टी टन सर्कुलर क्वाइल हैज रेडियस ऑफ थ्री सेंटीमीटर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द क्वाइल द मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेस फ्रॉम 0.10 पॉइंट वन जीरो टेस्ला टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव टेस्ला इन टू मिनी इंड्यूस्ड ई क्या क्या चेंज कर रहा है नंबर ऑफ टंस माइनस 50 रेडियस दे रखा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाईआर स्क्वायर तो रेडियस की जगह पर 0.03 का होल स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा तो बी टू माइनस बी वन और नॉर्मल टू द एरिया लूप का मतलब कॉस जीरो वन मतलब यहाँ कॉस जीरो ले लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है इसलिए डी बाई डी बी बाई डी टी हो गया एक तरह से अब इसमें जो चेंजेस है वो डाल देंगे अब ये कैलकुलेशन आपका काम है। हमने कह भी रखा आज की क्लास में कैलकुलेशन आप करेंगे ये आपका काम कॉ जीरो वन मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस कहां से कहा है जीरो पॉइंट थ्री फाइव फाइनल माइनस इनिशियल जीरो पॉइंट वन जीरो और टाइम पीरियड कितना टू मिली सेकेंड टू इंटू टेन पार माइनस थ्री ये आपका काम है कैलकुलेशन करना इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आएंगे रेस्क करें देखो आंसर ये आ रहा है फॉर्मूला यही यूज किया यस नो चले नेक्स्ट आ जाए इक्वाल हैविंग एन एरिया टू मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम वन वेवर पर मीटर स्क्वायर टू फोर वेवर मीटर स्क्वायर इन एन इंटरवल एकदम डायरेक्ट वही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन बन जाएगा नो ए डी बी बाई एरिया को आप टू मीटर स्क्वायर फुट कर दोगे डीबी की जगह पर क्या डालोगे फोर माइनस वन और यहां पर टाइम थ्री बिल्कुल सिंपल है ई e का वैल्यू हो गया एरिया टू मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड फोर माइनस वन टाइम इंटरवल टू सेकेंड तो टू और टू कैंसिल हो गया देखो एक मिनट भी नहीं लगा इतना इजी क्वेश्चन सब बच्चे वाला सवाल सब नर्सरी का बच्चे को भी दे दिया जाए तो भी बना देगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते क्वाल है एरिया दे रखा मैग्नेटिक फील्ड परपेडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वाल और कहता है कि रोटेट करा रहे हैं 180 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ऑफ एंगल चेंज कर गया तो माइनस एन एरिया को बाहर निकाल दो ठीक और फिर एंगल ओरिएंटेशन एन बी ए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंगल क्या बन गया कॉस्टा टू माइनस कॉस्टा वन बाई टाइम पीरियड ठीक अब यहां पर नंबर ऑफ टंस टू थाउजेंड एरिया कितना 70 सेंटीमीटर होल स्क्वायर तो 70 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया तो आप इसको सीधा कर दोगे सेवेंटी इंटू टेन टू दाइनस टू हो गया मीटर में बन गया बना अरे कुछ तो बोलो तो क्या एरिया क्या बनेगा चलो एरिया बनाओ तो यहां पर क्या लिखोगे एरिया की जगह देखते हैं बड़ा सिंपल है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बताओ तो क्या बनेगा डिजिट का स्क्वायर करोगे कि यूनिट का स्क्वायर करोगे डिजिट का करोगे इसको ना मीटर स्क्वायर बनाना है, है? तो सेवेंटी इंटू टेन टू दाइनस टू का होल स्क्वायर ऐसी गलती ना करें, ठीक और मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टी टू टू द प्लेन ऑफ द क्वाल मीन कॉस और बी का वैल्यू तो दे बी का वैल्यू कितना है सॉरी ओरिएंटेशन तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना है जीरो पॉइंट थ्री फाइनली कितना पर ओरिएंटेशन हुआ कॉस वन एट्टी माइनस वन और शुरू में जीरो डिग्री टाइम पीरियड कितना जीरो पॉइंट वन कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ क्विक पॉजिटिव साइन आ जाएगा इतना है कैलकुलेट करके जल्दी बताओ वन चलो ठीक है वन बोल्ट चलिए वन बोल्ट आंसर देख लें बिल्कुल सही जवाब इसका एक करोड़ रुपए इसको मिल गए चलिए रख लीजिएगा में कभी भी आ जाएगा मिल जाएगा एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है प्लेन परपेंडिकुलर सम

मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यस yes, नो no. और हमें रेडियस का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये एरिया चेंज कैसा लूप है सर्कुलर जिसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का डिफ़रेंशिएशन, टू आर डी आर बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड कितना पाई रेडियस कितना टू सेंटीमीटर टेन टू दर माइनस टू डी आर वाई डी टी कितना दे रखा है वन मिलीमीटर पर सेकेंड टें पार माइनस थ्री डी आर वाई डी टी का वैल्यू यही है देखो सॉल्व करके कितना आया जल्दी करो कैलकुलेटर यूज करो हमने कहा कैलकुलेशन आज आप लोगों को करना है टू पॉइंट फाइव के प्रॉक्स लिख लिया सबने वैल्यू इेज करें टू पॉइंट फाइव वोल्ट माइक्रो अच्छा माइक्रो वोल्ट आ रहा करते है टू पॉइंट 2.5 एग्जैक्ट बिल्कुल सही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहता है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर फ्रेम मेड ऑफ कॉपर वार वायर हैज ए डायमीटर दे रखा है। टोटल लेंथ दे रखा मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है फाइंड द करेंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम ठीक और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो डीबी बाई डी टी होगा तो इंड्यूस करेंट तो इंड्यूस बाई रेजिस्टेंस होगा अब रेजिस्टेंस कहां से निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता एल बाई ए रो गिवेन होना चाहिए यहां पर मिस्टेक है रो गिवेन होना चाहिए तो रो दिया रहेगा लेंथ है देखो 40 सेंटीमीटर फुट कर देंगे एरिया निकल जाएगा डायमीटर दे रखा रेडियस निकल गया तो यहां पर ये यह ई e। और ई e में क्या चेंज हो रहा है जल्दी से बताओ एरिया कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है और आर का वैल्यू डाल दिया रो एल बाई ए फॉर्मूला लिख लो कैलकुलेट कर लो डीवी बाई डी का वैल्यू गिवन है वो पुट करना ही नहीं है ऊपर तो एरिया स्क्वायर हो जाएगा या रो एल हो गया डी बी बाई डी टी ये वैल्यू दे रखा है यहां से एरिया पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे रो गिवेन होगा और एल का वैल्यू गिवेन है फोर्टी सेंटीमीटर तो वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा देख लीजिए यही है देखो लिख दिया सारा कैलकुलेशन किया हुआ है क्लियर आ गया समझ में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर देखो क्या लिखा है? एक मैग्नेट को मूव करा रहे टुवर्ड्स द क्वाइल क्वाइल में यहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है देखो अभी हमने क्वेश्चन का भी था और आ भी गया ड्यू टू ड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैटिक ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करेंट इंड्यूस चार्ज का रिप्रेजेंटेशन ई आई क्यू से है हमने मैग्नेट के स्पीड को डबल कर दिया तो इसमें से कहता कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रह जाएगा बताओ सिंपल अभी यही बताया था. आगे समझ में जितना हम लोगों ने फैर लॉ का पढ़ा आज सारा क्वेश्चन कर लिया ऐसे ही क्वेश्चन के लेवल है ठीक और हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंज लॉ पढ़ेंगे